इंटरफेस जिसमें आपको पांच ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेडियो, नेविगेशन, म्यूज़िक, फ़ोन, इंटरनेट और ऐप्स। ऐप्स में आप मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसमें कुछ प्रीसेट्स ऐप भी मिल जाएगी आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इंटरफेस एग्मा का इंटरफेस है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम रेडियो खोल के आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेडियो का ये है यूज़र इंटरफेस जिसमें आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप प्रीसेट्स भी सेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं आराम से। और नीचे बैक वाले बटन को अगर आप टैप करोगे तो आराम से आप मेन होम स्क्रीन पे आ जाओगे। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नेविगेशन, इसके ऊपर आप टैप करोगे तो आप गूगल ऑनलाइन मैप्स में आ जाओगे और उसमें आप इजीली नेविगेट कर सकते हो कोई भी लोकेशन। ये बिगबी का वाईफाई मॉडल है 2GB 16GB जिसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है, तो आप इजीली वाईफाई कनेक्टिविटी से मैप्स में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है गूगल वॉइस कमांड, उसके ऊपर आप अगर टैप करोगे तो आप अपनी वॉइस कमांड से भी चीज़ सर्च कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। मैं अभी गूगल वॉइस ऐप में टैप करूँगा और एक लोकेशन का नाम लूँगा, नेविगेट टू नोएडा। तो ये बेसिकली आपको फुल इंटरनेट एक्सेस के पास ले जाएगा और नेविगेशन के बारे में बताएगा और वहाँ पे आप आराम से अपनी लोकेशन को सर्च भी कर सकते हैं और उसके डिटेल में भी सुन सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस होम स्क्रीन में आपको ये सेंटर में लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप 6 टाइप की चीज़ें आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। देन आप नेविगेशन, देन आप कैंपस लगा सकते हैं, ऐसे ही आप टाइम लगा सकते हैं, स्पीड ड्यूरेशन, म्यूज़िक। वैसा मैं अभी यहाँ पे लोगो सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो आपको सेटिंग दिख रही है इसमें आप इजीली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा इसका कलर, तो मैं अभी इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर कार यू कैन चेंज योर कलर। मैं अभी आपको थोड़ा बहुत कलर चेंज करके दिखाता हूँ। आप इजीली इसमें कोई भी कलर को सेट कर सकते हैं। ये फीचर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। बाकी आपको ऊपर वाईफाई कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, आप इजीली स्मूथली आप कोई भी चीज़ को चला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक और फीचर है स्प्लिट स्क्रीन का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और ट्रेंडिंग फीचर है, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। एक समय पे हम 2 से 3 चीज़ों को हम इजीली इसमें चला सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, जैसा कि मेरे को अभी 2 एप्लीकेशन इसमें चलानी है, तो मैं फटाफट 2 एप्लीकेशन को ओपन करके स्प्लिट स्क्रीन को टैप करूँगा। देन उसके बाद हमें अपनी एक एप्लीकेशन को ड्रैग करना है लेफ्ट की तरफ और उसके बाद आपकी ये स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी और उसके बाद आप एक समय पर 2-2 एप्लीकेशन चला सकते हैं। इसका एक मेन फीचर है स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल, जिससे आप फुल एक्सेस कर सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम को, वो भी इजीली। मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले मैं म्यूज़िक को ओपन करता हूं और उसमें आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूं तो यहां पे अप हो रही है, कैसे मैं वॉल्यूम डाउन कर रहा हूं तो वो डाउन हो रही है। मैं इससे ट्रैक चेंज भी कर सकता हूं और इससे फ्रंट और बैक सब कुछ कर सकता हूं। और यहीं से हम वुडमैन के मेन इंटरफेस में भी आ सकते हैं, मतलब होम पेज में इजीली। और यहीं पे आप इजीली आप म्यूज़िक को स्टॉप भी कर सकते हो ऊपर कॉर्नर में टच करके। जैसा कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं और कोई भी चीज़ को इजीली सर्च कर पाते हैं, तो वैसा ही इस एंड्रॉयड सिस्टम में भी है, आप कुछ भी चीज़ इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम ऐप्स में जाएंगे और वहाँ पे गूगल क्रोम में टैप करेंगे और गूगल क्रोम में आपको मैं कुछ चीज़ सर्च करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो चला के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी एक यूट्यूब की वीडियो प्ले कर रहा हूँ और देखना कितने अच्छे क्लियर व्यू एंगल्स देता है ये। आप हर एक एंगल से आप इजीली इस चीज़ को क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जो कि आपको सॉन्ग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगी। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं होम बटन पे क्लिक करके। इसकी
की डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप कोई भी चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और कोई भी चीज़ को बहुत ईजिली ओपन कर पाएंगे। तो जैसा मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि मैं कितनी ईजिली हर एक चीज़ को ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको क्रोम खोल के दिखाया, यहाँ पे आपको गूगल में भी आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं ईजिली, और इसके अलावा आप नेविगेशन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, आप रेडियो भी बहुत ईजिली चला सकते हैं, इसमें आप नेविगेशन बहुत ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, और ये बहुत स्मूथ है हर एक चीज़ को लेके। म्यूज़िक भी आप बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक चीज़ को आप बहुत ईजिली आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इंटरनेट में आप कोई भी चीज़ यहाँ पे आराम से सर्व कर सकते हो और ईजिली ये सर्च करके देगा। आपका एक वाईफाई कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें आप ईजिली ऐप्स को हटा भी सकते हैं। एक स्पेशल फीचर है जो कि सारी कारों के लिए अवेलेबल है, जिसका नाम है डैश कैमरा, जो कि आप इजीली स्क्रीन के पास लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप्स में जाना है, फिर फाइल मैनेजर में जाना है, फिर कार DVR ड्राइव में जाना है, देन उसके बाद यू कार DVR को इंस्टॉल करना है। आपको इसके बाद मेन ऑल ऐप्स में जाना है और वहाँ पे जाके आपको ये HD DVR दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है, तो आप इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे और उसके बाद आप आराम से हर एक मोमेंट को कैप्चर कर पाओगे, और जो भी चीज़ आपकी रिकॉर्ड होगी वो सारी वुडमैन के इस एंड्रॉयड स्टूडियो के सिस्टम में जाएगी। और इसको हम साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने ऑप्शन दिखाया है, यहाँ पे आपको इस चीज़ को टैप करना है और इसके बाद आप इजीली इसको स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, और इसके साइड बाय साइड आप और कोई काम भी कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड में इस तरीके से प्रेजेंट होगा और ये फीचर सारी कारों के लिए अवेलेबल है। अब हम आपको बताते हैं रिवर्स कैमरे के बारे में। तो जैसा कि अगर आप बैक गियर डालेंगे तब आप इसमें इजीली एक्सेस कर पाएंगे रिवर्स कैमरे में। तो मैं अब आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने ये बैक गियर डाला और अब आपको पीछे का आराम से व्यू क्लियर दिख रहा होगा, ये HD कैमरा है, इसमें आपको हर एक चीज़ डिटेलिंग में दिख भी रही होगी।